दोस्तों 21 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपको इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज दिया है। ध्यान रहे, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया गया है जो कि ईएमएफ का है, तो जाहिर सी बात अल्टरनेटिंग है, तो या तो साइन ओमेगा टी होगा या तो कॉस ओमेगा टी होगा। आपको दो वोल्टेज दिए गए हैं, इंडक्टर के क्रॉस 240 वोल्ट और रेजिस्टेंस के क्रॉस 100 वोल्ट। बेटा आपको नेट वोल्टेज पूछा गया है कि इसके क्रॉस कितना होगा। पहले ही ऑप्शन होगा 340, मत लगा के आना भैया, ये BL है और ये BR है, तो नेट आपका जो होगा क्या होता है, इन दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेस होता है। फेस मतलब एंगल, एंगल मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब वेक्टर, और वेक्टर अगर दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर BL और एक BR 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। कॉमन लिया 240 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 240 मतलब 24, इसका तो हो गया इतना इतना 24 का देख लेते हैं, 24 गुणे 24 576, 4 8 0 0 7 6 6, ये तो 100 हो गया, 10 हो गया और करीब निकाल लिया जाए 676 का, 25 का 625 होता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यस इतना हो गया 26 और 20 का अंडर रूट 1 हो गया, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज 340 नहीं 260 होगा, क्योंकि इनके इनके वोल्टेज के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। याद दिला दें, इंडक्टर में करंट पीछे चलती है वोल्टेज से। एक चीज आपको और निकालनी थी, इंपीडेंस, और इसके लिए शायद उन्होंने करंट भी दे रखी थी 2 एम्पियर की करंट। बस तो आपने कहा हम, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, V अपॉन I से निकाल लेंगे 2 एम्पियर करंट।